जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में दीवानी न्यायालय परिसर में गांधी जयंती के अवसर पर 14 नवंबर तक आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का महामहिम राष्ट्रपति ने दिल्ली से वर्चुअल शुभारंभ किया, जिसका सीधा प्रसारण दीवानी न्यायालय के सभागार में किया गया। इस दौरान न्यायालय परिसर के सभागार में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान महानगर में विधिक साक्षरता व जागरूकता के लिए अपर जनपद न्यायाधीश ने हरी झंडी दिखाकर प्रभात फेरी यात्रा को रवाना किया। आपको बता दें कि यह प्रभात फेरी यात्रा महानगर के दीवानी न्यायालय से होते हुए बेतीहाता, शास्त्री चौक, गोलघर मार्केट, काली मंदिर, इंदिरा बाल विहार, हरिओम नगर, अम्बेडकर चौक होते दीवानी न्यायालय में समाप्त हुआ। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने कहा, के लिए खत्म होकर उन लोगों के बड़े भाई स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन आंदे सिंह मनचा सिंह लोकप्रिय समूह के जज जयप्रकाश जी और गौतम जी उपस्थित पीठासीन अधिकारीगण, आप हम लोग को महापुरुषों के जन्मदिन पर इकट्ठा हुए और उनको पहले मैं नमन करता हूँ और बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट के तरफ से या जनपद न्यायाधीश महोदय के जो कार्यक्रम दो से चलते चलेगा उसके लिए कदम से कदम निकाल चलने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के दोनों लोगों के दिखाए हुए रास्ते और उनके आदर्शों पर हम लोग यहाँ से फांसर दे करके जाते हैं, फिर पीछे भूल जाते हैं। आज हम लोग सभी को एक कम से कम अपने अंदर एक आत्मा के अंदर कहें कि कम से कम उनकी एक बात आज से हम लोग बांध लें, उन्हें गांठ बांध लें, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा नहीं, हमारे देश के लाखों और करोड़ों लोगों को ये धोती तो क्या लंगोटी भी नहीं पता है। अगर भारत का प्रधानमंत्री इस फटी हुई धोती को पहन करके अगर आज शपथ ग्रहण करेगा तो इसमें क्या बुराई है? इसको सामान्य रूप से अगर आप लेंगे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं चीज पहन लिया, लेकिन उस भावना को अगर आप देखें, आज सामान्य से अवसर पर जाने के लिए 13 बार हम बीको टर्मरिक क्रीम से लेकर के और सारी चीज़ें तैयार करते हैं, सारे अपने वस्त्रों के बारे में देखते हैं, हम उस पक्ष को भूल जाते हैं कि हमारा व्यक्तित्व और हमारा कृतित्व भी इस स्तर का धीरे धीरे ऊंचा होता है। सादगी के साथ साथ प्रखरता और जीवन के ऐसे आदर्श मूल्यों के प्रति न केवल कटिबद्धता बल्कि वास्तविक जीवन में उसे उतारने की एक प्रयास ही नहीं बल्कि उनका एक सफल प्रयास था जो उन्हें मानव से ऊपर उठकर महामानव या एक ऐसे व्यक्तित्व को स्थल प्रदान करता है जो अनुकरणीय है, वंदनीय है, सराहनीय है और हमें उससे सीखना चाहिए और जीवन में अनुकरणीय। ऐसे नक्षत्र को पुनः एक बार बहुत सारी श्रद्धांजलि। जब जब तेरा ढोल बजा जवान चल पड़े, हिंदू मुसलमान सिख ईसान चल पड़े, आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, सावन जी के संत को लेकर मिला। स्थायियों का अदालत के अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी न्यायिक अधिकारीगण, सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री पांडे जी तथा इस सभागार में उपस्थित सम्मानित विद्वान अधिवक्तागण, हमारे
कर्मचारीगण और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि, गांधी जी के मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष, पिता से राष्ट्रपिता और बापू बनने की जो यात्रा है, उस यात्रा को हमारे बाद के सम्मानित सदस्य श्री त्रिपाठी ने पतंजलि योग और गीता के विभिन्न श्लोकों के माध्यम से बखूबी समझाया और उन्होंने यह बताया कि एक महापुरुष और राष्ट्रपिता के जन्मदिन को हम प्रत्येक वर्ष क्यों मनाते। उन्होंने यह भी बताया कि एक पुरुष महापुरुष कैसे बन सकता है और महापुरुष के क्या गुण होने हैं। हम ऋषि ये याद करते हैं, उनसे साक्षात्कार करते हैं कि जिन गुणों के कारण आज हम उन्हें याद कर रहे हैं और जिन गुणों ने उन्हें पुरुष से महापुरुष बनाया वो कौन से गुण थे, ताकि हम उन गुणों में से कुछ अपने अंदर आत्मसात करें और महापुरुष तो हम नहीं बन सकते लेकिन एक अच्छा मानव बनने की दिशा में एक कदम उठा सकते। जैसा कि त्रिपाठी जी ने बताया कि महापुरुष वही होता है जो राग और द्वेष से परे हो, तो गांधी जी ने ये सारे गुण थे उन्होंने श्लोकों के माध्यम से बहुत अच्छे तरह से बताया। गांधी जी के सिद्धांतों के विषय में और वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता से संबंध में भी हमारे माननीय अध्यक्ष चेयरमैन स्थायी उत्तराधिकारी ने बखूबी बताया और इन सबको बताने के बाद अब मैं समझता हूं कि कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। किताबों में तो सब कुछ लिखा ही है गांधी जी के सिद्धांतों के ऊपर, उनके विचारों के ऊपर, उनके सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विचारों के ऊपर कई पुस्तकें की जा चुकी है, लेकिन फिर भी हम उनके विचारों को यहाँ क्यों सुनते हैं, क्या जरूरत थी, किताब में पढ़ लेते। लेकिन किताब में लिखा होने के बाद भी हम अपने बच्चों को स्कूल तो भेजते ही है ना, स्कूल तो भेजते हैं, लेक्चर वहां लेक्चरर है, टीचर है, वो किताबों में लिखी हुई बातों को ही बताते हैं। लेकिन जब हम एक दूसरे से साक्षात्कार करते हैं, आमने सामने बैठ कर किसी बिंदु पर चर्चा करते हैं, तो उसका प्रभाव दूसरा। यही कारण है कि हम इन गोष्ठियों को आयोजित करते हैं और महापुरुषों के गुणों और के सिद्धांतों की चर्चा करते हैं, ताकि हम जब फेस टू फेस बात करते हैं, आमने सामने बात करते हैं, तो उसके प्रभाव को उसका अधिक से अधिक हमारे ऊपर प्रभाव हो और हम उन्हें आत्मसात कर सके। गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों की जयंती का औपचारिक शुभारंभ प्रातः 8 बजे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के कर्तव्यों द्वारा किया जा चुका था और आज का ये सभा का कार्यक्रम उस उद्घाटन के उपरांत होने वाला, उसी के अनुक्रम में होने वाला कार्यक्रम है, क्योंकि
मानिकर पर न्यायाधीश महोदय द्वारा किसी कार्यक्रम का उद्घाटन किए जाने के उपरांत पुनः उस कार्यक्रम के उद्घाटन का कोई प्रश्न नहीं होता। तो आज हम यहाँ आने के बाद किसी कार्यक्रम का औपचारिक रूप से उद्घाटन नहीं किए हैं, बल्कि माननीय पर न्यायाधीश महोदय द्वारा जो कार्यक्रम जिस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया उस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का कार्य हम लोगों ने किया। शुभ संदेश हम सबको वो संबल प्रदान कर रहा है, हम सबका आत्मबल बढ़ा रहा है। आज 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती का पूरी अवसर है ये, और आज के इस दिवस पर ये संकल्प देश के अंतिम जन तक न्याय की पहुंच हो, ये राष्ट्रव्यापी अभियान आज इसका शुभारंभ होने जा रहा है। बहुत बहुत आभार माननीय राष्ट्रपति महोदय का और सभी विभूतियों का जिन्होंने अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित किया है। इस अवसर पर इस कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति महोदय की गरिमामय उपस्थिति से हम सभी अभिभूत हैं, और इसके लिए मैं निवेदन करूंगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एन वी रमन्ना, क्योंकि नामसा के पार्टी चीफ भी हैं, कि वे माननीय राष्ट्रपति महोदय और सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस उदय उमेश पिल्लरे जी से सबकी कल धनी के साथ माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय का अभिनंदन है इस अवसर पर। विधि एवं न्याय मंत्री भारत सरकार श्री किरण रिजिजू को स्मृति चिन्ह भेंट करके मेमेंटो भेंट करके इस अवसर पर उनका अभिनंदन करने के लिए श्री वरुण मित्रम सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस भारत सरकार उनसे निवेदन है आपकी कल धनी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है मंत्री उदय उमेश ललित का अभिनंदन है इस अवसर पर। President of India, Sri Ramnath Kovindji,
ऑनरेबल श्री जस्टिस एनवी रमन्ना जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड पेट्रोन इन चीफ ऑफ नालसा, ऑनरेबल श्री जस्टिस यूयू ललित जी, जज सुप्रीम कोर्ट एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा, ऑनरेबल श्री जस्टिस ए एम खंडेलवलकर जी, जज सुप्रीम कोर्ट एंड चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, ऑल द ऑनरेबल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, माय कलीग मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल जी, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नालसा ऑफिशियल्स, पैनल लॉयर्स, पैरा लीगल वॉलंटियर्स, ऑल द डिग्निटरीज प्रेजेंट हियर, फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस लॉन्च इवेंट ऑफ पैन इंडिया लीगल अवेयरनेस एंड आउटरीच कैंपेन बींग ऑर्गेनाइज बाय नालसा एज अ पार्ट ऑफ celebrating Azadi ka Amrit Mahotsav. Today marks a historic day, not only for India, but also for the world. The teachings and philosophy of Mahatma not only shaped the path to an independent, tolerant and self-reliant India, but also shaped many modern civilizations. Even today, the teachings of Mahatma continue to guide humanity towards a better tomorrow. The words of Rabindranath Tagore capture the essence of Gandhiism. I quote, "He spotted that the threshold of huts of the thousands of dispossessed, just like one of their own. He spoke to them in their own language. Here was living proof at last." Unquote. Gandhi strongly believed in the concept of Sarvodaya through Antyodaya, that is, development for all through the welfare of the weakest sections of the society. It is an undeniable truth that only inclusive growth can lead to a situation and a vibrant democracy. Inclusive and sustainable growth could be impossible to attain without providing inclusive access to justice. The framers of our constitution were well aware of our socio-economic reality. Therefore, they emphasized a welfare state where no one is denied basic means of life. In order to protect their aforesaid rights, the framers regarded us all equal protection and equality before law. But this guarantee of equal justice will be rendered meaningless if the vulnerable sections cannot enforce their rights. Equality and access to justice complement each other. In countries with major socio-economic gaps, unequal access to justice leads to widening of these divides. Every person comes across legal issues in their lifetime, be it related to employment, inheritance, business or the family. Suppression of unmet legal needs results in the suppression of the full potential of an individual. In a complex society like us, which is full of inequalities, problems tend to multiply on their own. Loss of daily wage, prospect of eviction, lack of health care, and uncertainty about the next meal, all these overflow from absence of justice. The social cost of this are unimaginable. Socio-economic justice would be impossible to achieve without providing equal access to justice. This is why today all the organs, three organs of the state, the executive, the legislature and the judiciary have come together to strive for future based on inclusive equality and fairness. The key to equal access to justice lies in creating legal awareness first. Legal awareness will be the galvanizing force behind the reform process that we are propagating. 2 अक्टूबर यानी आज से आरंभ होकर 14 नवंबर तक 6 सप्ताह के लिए
ये अभियान पूरे देश में चलेगा और देश में पहले कोने कोने तक हमारे जो नेटवर्क हैं, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, तालुका स्तर पर जो हमारी अथॉरिटीज हैं, इसके अलावा पैनल एडवोकेट्स, पैरा लीगल वॉलंटियर्स, इन सबके माध्यम से गांव गांव तक पहुंचने का हमारा संकल्प है, देश का हर गांव। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड पैटर्न इन चीफ ऑफ नालसा श्री जस्टिस एम वी रमना, यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस श्री किरण रिजिजू, जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नालसा श्री जस्टिस यू यू ललित, जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एंड कमेटी श्री जस्टिस ए एम खानविलकर, जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड वेरियस हाई कोर्ट्स, members of bar and paralegal volunteers, my dear students, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure to launch the awareness and outreach program of NALSA being organized as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav to commemorate 75 years of India's independence. We know that our freedom struggle was led by many great liars who also strived to make our society more progressive. They envisioned a society based on justice, liberty, equality and fraternity. These fundamental principles have been enshrined in our constitution. Since independence, we have made substantial progress in realizing our constitutional goals, but a lot of work remains to be done to reach the destinations identified by our founding fathers. I commend NALSA for its vision to promote an inclusive legal system to ensure fair and meaningful justice to marginalized and disadvantaged sections. I am glad that NALSA is working towards our constitutional objective of providing equal and barrier-free access to justice. I also compliment NALSA for launching this awareness drive on Gandhi Jayanti. Mahatma Gandhi is a symbol of service to humanity, including services to help the downtrodden get justice. Earlier this morning, I went to Rajghat and paid my respect to Mahatma Gandhi. More than 125 years ago, Gandhiji had set certain examples which are relevant to the entire legal fraternity even today. In his first major case in South Africa, Gandhiji suggested the parties to seek a compromise out of court. The parties agreed on an arbitrator who heard the case and decided in favor of Gandhiji's client. This resulted in a heavy financial burden on the other party. Gandhiji convinced his own client to permit the losing party to make payments in easy installments over a very extended period. Consequently, both the parties felt relieved by that settlement. Prior to the settlement, the cost of litigation was harming both the parties. That experience reinforced Gandhiji's opinion that out-of-court settlements were preferable to litigation. He followed this approach throughout his legal practice of two decades before devoting himself full-time to pursuit of political, social and spiritual goals. Gandhiji had a flourishing legal practice with handsome income as a lawyer in South Africa. But he did a lot of pro bono work to help the poor. Gandhiji had said it, and I quote, "A true lawyer is one who places truth and service in the first place and the emoluments of the profession in the next place only," unquote. Indentured laborers in South Africa looked up to Gandhiji for taking up their cause with the authorities and in the courts. Gandhiji helped them without charging any fees. Ladies and gentlemen, after returning to India in
1915 and watching rich lawyers earning at the cost of poor litigants, Gandhiji wrote, and I quote, "The best legal talent must be available to the poorest at reasonable rates." देवेंद्र कुमार द्वितीय, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर। आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत आज दिनांक 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ हो गई है। इसके द्वारा विधिक साक्षरता कार्यक्रम व इसमें कानूनी सलाह जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य है, जिसमें मेन मकसद है ग्रामीण जन जो कि इन कानूनी जानकारियों के अभाव में न्याय पाने से वंचित हैं, उनको न्याय दिलाने का एक प्रयास किया जा रहा है। हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गठित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संयोजन से आज दिनांक 2 अक्टूबर 2021 को ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसमें हमारे माननीय जनपद हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा इसका राष्ट्रीय स्तर पर उद्घाटन किया गया है। उसके पश्चात यहाँ हमारे यहाँ जनपद न्यायालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में साइकिल रैली व वाहन रैली के साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए उद्घाटन किया गया है। और उसके पूर्व 8 बजे हमारे यहाँ माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के द्वारा महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के संयुक्त रूप से अनावरण करते हुए इस कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है। और ये रैली जो हमारी शुरू हुई है शहर के विभिन्न चौराहों से होते हुए गोलघर मार्केट व काली मंदिर से मुड़ते हुए यहाँ कचहरी प्रांगण में समाप्त हुई, लेकिन शुरुआत नहीं बोल पाए इसकी। सर ये कार्यक्रम कब तक चलेगा? यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ होकर दिन प्रतिदिन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जो 14 नवंबर 2021 तक विधिवत चलेंगे।